हरदोई में बीजेपी के विधायक पंकज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति राहुल गांधी से पच नहीं रही। साथ ही उन्होंने सीए को लेकर हुए प्रदर्शन पर विपक्षों को आड़े हाथों लिया। तो जो एनपीआर के विषय में जो उन्होंने 2011 में उनके ही नेताओं ने जो वक्तव्य दिए थे, सबसे पहले उसको देखना चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए। इसीलिए इससे ज़्यादा और मैं इस पर कुछ नहीं, मेरे ख्याल से उनको देश की प्रगति शायद दिख भी नहीं रही है और पच भी नहीं रही है। आज देश निरंतर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान भी विश्व भर में बढ़ा है। वहीं लखीमपुर खीरी में रोजगार मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी का जो कोच है उन्होंने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है जिसके कारण अध्यक्ष कुर्सी उनकी चली गई, फिर भी उन्होंने अपने कोच को बदला नहीं, जिसके कारण अनाप शनाप बयान उनके मुँह से निकल जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि उनको कोचिंग लेनी चाहिए। आदित्य कुमार रमाकांत, उनका जो कोच है वो उनकी ऐसी ट्रेनिंग दिया कि पहले तो अध्यक्ष की कुर्सी उनकी बदल गई, तब भी उन्होंने अपना कोच नहीं बदला। उन्हें अपना कोचिंग करने वाले को बदलना चाहिए। अनाप शनाप बयान उनके मुंह से अक्सर निकल जा रहा है। या तो मेरी सलाह है कि कुछ दिन फिर से भी पसन्या करने चले जाएं।